तो हेलो दोस्तों, मैं अपने आप सबका स्वागत है मोबाइल युक्त यूजल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट ने एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आरोग्य सेतु। जिस ऐप के मदद से आपके आसपास में कोई COVID-19 का इफेक्टेड है या नहीं उसके बारे में जान पाओगे। उसके अलावा इस ऐप का दूसरा एक और खासियत है जिससे आप राज्यों का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जान पाओगे। तो इस ऐप को कैसे आपको सेटअप करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। जाने के बाद आपको इधर में सर्च करना है। तो देख सकते हैं इधर में सर्च किया हुआ है। तो आपको पूरा SI स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत स्पेलिंग लिखते हो तो इधर में वो नहीं आएगा, क्योंकि इस ऐप काफ़ी सिक्योरिटी से बनाया गया है। तो इसके लिए मैंने आपको नीचे में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इधर में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने आप देख सकते हो तो ये जो ऐप इधर में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इस ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको इधर में दिखाई देगा काफ़ी इधर में लैंग्वेज है, जो बंगाली लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, सब कुछ मिल जाता है। तो मैं फिलहाल इधर में इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर में थोड़ा कुछ लिखाई दे देगा, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर में रजिस्टर्ड नाउ में क्लिक करना है। रजिस्टर्ड नाउ में क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो इधर में जो डिवाइस लोकेशन चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, उसके बाद आपको डाटा शेयरिंग ऑप्शन भी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका मोबाइल का जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो जाएगा और आपका जो लोकेशन है वो भी ऑन हो जाएगा। अगर आप उसको ऑफ़ कर दोगे तो ये जो ऐप है वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको कहना है इन सब को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको आई एग्री में क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको अलाउ में कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर में जो आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। तो मैं मेरा नंबर इधर में दे रहा हूँ। देने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करना है, आपका फ़ोन में एक OTP जाएगा, वो अपने आप इधर में आ जाएगा। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो आपको मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो ये ऑप्शन नहीं आया है। तो आपको आ सकता है पहले एक ऑप्शन जिधर में आपका नाम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, वो जो ऑप्शन है वो आप लिख भी सकते हो, या फिर साइट में आपको जो स्किप का ऑप्शन आ जाएगा स्किप भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपको इधर में लिख के आ जाएगा कि आप सेफ हो या फिर आपके आसपास में कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड आदमी है या नहीं, ऐसा आपको इधर में दिखाई देगा। तो मेरा जो दिखाई रहा है इसमें यू आर सेफ ऐसा कुछ दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आपको जो राज्य भर का जो हेल्पलाइन नंबर है वो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना, जो COVID-19 हेल्प सेंटर लिखा है उसमें करना है क्लिक। उसमें क्लिक करने के बाद आपको इधर में देख सकते हो जो काफ़ी सारा हेल्पलाइन नंबर में इधर में दिया हुआ है और ऊपर में जो राज्य का नाम भी लिखा हुआ है। तो इधर से आप जो हेल्पलाइन नंबर का लाभ उठा सकते हो। उसके अलावा आपको अगर नीचे में जाओगे तो इधर में आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एक कर सकते हो, जिसमें आपको इधर में जो पूछा गया वो सही से आंसर देना पड़ेगा। कोई गलत आंसर मत दीजिएगा, नहीं तो ये कोई गलत आंसर बताएगा। तो इस ये जो है वो आप कर लेना आपके हिसाब से। उसके बाद आपको इधर में नीचे में जो दिख रहा है जो कुछ न्यूज़ मिल जाता है, तो आप ये सब देख सकते हो। तो जाके इस ऐप को डाउनलोड करो और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, ताकि सब इस ऐप को डाउनलोड करें और सब सेफ रहे, घर में रहो, अच्छे रहो, स्टे सेफ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।